खबर उत्तर प्रदेश। औरैया से सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसको चाहें उसको रातों रात बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, जिसकी एक हकीकत देखने को मिली। औरैया जिले में जहां 2 साल पहले ऑनलाइन पर बिना एक दूसरे को देख सात समंदर पार कर आई न्यूजीलैंड से दुल्हन ने एक दूसरे पहली बार पसंद कर शादी कर ली। न्यूजीलैंड की दुल्हन और औरैया के दूल्हे दोनों ने एक संग फेरे लेकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की और एक साथ रहने का वचन एक दूसरे को दिया। इस लव स्टोरी की शुरुआत इंस्टाग्राम से शुरू हुई, कब दोस्ती हुई, कब प्यार, और प्यार के बाद दुल्हन खुद न्यूजीलैंड से शादी करने चली आई। इन दोनों की कहानी दिलचस्प है और जनपद में चर्चा का विषय बन गई है। औरैया जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के दिव्यापुर कब्जे के रहने वाले रामजीत तिवारी ने अपनी शादी के बारे में बताया कि उनकी मुलाकात शैनल से इंस्टाग्राम ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए मिला था, जो मेरी मैनेजर थी। शैनल ऑकलैंड न्यूजीलैंड में रहती है। शैनल यूएसए की एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के जरिए 2 साल पहले ऑनलाइन रामजीत से इंस्टाग्राम के जरिए मिले थे। इसके बाद दोनों में चैटिंग शुरू गई, दोनों में दोस्ती हुई, जिसके बाद अप्रैल 2021 में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने आगे की जिंदगी साथ गुजारने का फैसला लिए। अपने परिजनों से बात की तो वे भी मान गए, लेकिन दोनों ऑनलाइन एक दूसरे से संपर्क में रहे। 17 जनवरी को शैनल अपने माता पिता भाई बहन के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके साथ ही रामजी ने बताया कि शैनल ने जब भारत में कोरोना था तब भी मेरी मदद की और मेरा पूरा ख्याल रखा। हम एक दूसरे को बिना देखे ही पसंद करने लगे थे और मौका देखकर दोनों ने घर वालों को बात की और वे राजी हो गए, जिसके बाद शैनल अपने परिवार साथ इंडिया आई और शादी के बंधन में बंध गई। जहां पहली बार शैनल और रामजी की आमने सामने मुलाकात, इसके बाद शादी की सभी रस्में हिंदू रीति रिवाज से पूरी हुई, जहां 25 जनवरी को जनपद के गेस्ट हाउस में दोनों ने शादी की, एक दूसरे के वैवाहिक बंधन में बंध गए। शैनल फर्राटेदार हिंदी भी बोलती। शैनल ने बताया कि वे एक माह का वीजा लेकर भारत में आई है, परिवार भारत में अलग अलग जगह पर रह रहा है। इस अनोखी शादी को देखने और सुनने वाले भी हैरान है, तो ये शादी भी चर्चा का विषय बन गई। जिन्होंने ऑनलाइन मुलाकात हुई और 2 साल बिना देखे एक दूसरे को पसंद कर शादी के लिए राजी हो गए। कहाँ की रहने वाली हैं? ऑकलैंड न्यूजीलैंड रहने वाली। अच्छा, आपकी ये मतलब शादी कैसे हुई? हमारी शादी हुई, हम ऑनलाइन जब न्यूजीलैंड में लॉकडाउन चल रहा था, शायद इंडिया में उस टाइम चल रहा था, तब हम ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू मिले थे। तो ये मेरे अंडर काम करते थे उस टाइम और मैं इनकी मैनेजर थी। ऐसे मिले और हमारे काफ़ी दोस्त भी ऐसे जानने वाले थे, तो उनके थ्रू हम मिले। फिर आपकी मतलब मोहब्बत में ये शादी कैसे क्या तब्दील हुई? मिले, बात हुई, हमारा बातचीत करना अच्छा लगा देखने में और बात करने में काफ़ी समझदार इंसान लगे, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। बात की, फिर बात करते करते 26 अप्रैल को 2021 हमने डिसाइड किया कि रिलेशनशिप में आएंगे। फिर मेरे बर्थडे 17 अगस्त डिसाइड किया कि अब चलो शादी का सोचते हैं। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके बात हुई, घर वालों को बताया गया मार्च में पिछले साल, फिर वहाँ से बात आगे बढ़ी। फिर आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी 25 जनवरी को हुई। कहाँ पे हुई? इंडिया दिव्यापुर में। दिव्यापुर में। अच्छा, तो अब आप इस शादी से खुश हैं? जी। अच्छा, आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? हमारे आगे की प्लानिंग ये है कि अभी एक महीने में मैं चली जाऊंगी वापस, मुझे जॉब अपना शुरू करना है, रिज्यूम करना है, तो फिर धीरे से 3-4 महीने बाद ये भी आ जाएंगे, मुझे न्यूजीलैंड में ज्वाइन करना है। मेरा नाम रामजी तिवारी है, मैं दिव्यापुर का निवासी हूँ और मैं इनसे इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू मिला था। ये मेरी मैनेजर थी और इनके ज़रिए जॉब का पूरा वो था मेरा। फिर उसके बाद हमारी एक बाउंड बड़ी दोस्ती हुई दोस्ती के बाद प्यार हुआ, एक रिलेशनशिप में आए और बहुत बेहतर रिलेशनशिप में आए। इन्होंने काफ़ी मेरा ख्याल रखा। उस टाइम लॉकडाउन था इंडिया में, तो काफ़ी खासा दिक्कत इंडिया में भी थी और हम मेरे भी परिवार में थोड़ी चल रही थी, तो फाइनेंशियली और थोड़ा इन्होंने हर चीज़ से मुझे कवर करके रखा। उसके बाद हमारी फर्स्ट मीटिंग अभी 17 जनवरी को हुई। उससे पहले हम लोगों ने शादी का डिसाइड कर रखा था, सारे अरेंजमेंट वगैरह कर रखे थे और ये इंडिया आई हैं 17 जनवरी को। इनको यहाँ दिव्यापुर लेके आए और हमारा सारा फंक्शन वगैरह हुआ है और 25 जनवरी को हमारी शादी शिव गैलेक्सी हॉल में हुई है। अच्छा, ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये न्यूजीलैंड ऑकलैंड की रहने वाली हैं।
और नाम क्या है इनका? इनका नाम स्नेहल साक्षी चंद है। अब आप शादी से खुश हैं? बहुत खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।